नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। धामपुर पुलिस द्वारा भाकियू नेता से अभद्र व्यवहार करने पर किसानों में उबाल आ गया। किसानों ने धामपुर रेलवे स्टेशन पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी माफी नहीं मांगेंगे तब तक धरना जारी रहेगा। मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने धरना दे रहे किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन किसानों ने एक नहीं सुनी। बताया जाता है कि धामपुर पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक महासचिव कविराज से किसी बात को लेकर अभद्र व्यवहार किया था। जब इस बात का अन्य किसानों को पता लगा तो उनमें उबाल आ गया। आज सैकड़ों किसानों ने धामपुर रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए तथा आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी ब्लॉक महासचिव से माफी नहीं मांगेंगे वह धरना जारी रखेंगे। वहीं धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे जीआरपी चौकी इंचार्ज सुधीर मलिक ने अपनी गलती मानते हुए किसानों से क्षमा मांगी, जिस पर किसानों ने धरना समाप्त किया। नाम है आपका? चौधरी गजेंद्र सिंह, टिकैत भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है रेलवे स्टेशन धामपुर पे, क्या कुछ कहना है इसमें? क्या मामला? इसमें कहना कुछ नहीं है। हमें कहना तो ये है कि हमारे जो यहाँ धामपुर के ब्लॉक महासचिव हैं कविराज जी, ये शाम यहाँ जो रेलवे पुलिस है उन्होंने इनके साथ अभद्र व्यवहार करा है, उसे लेकर हमारा यहाँ धरना लगा है। अब अधिकारी है, बात चल रही है। किसानों को अगर सम्मान की जिंदगी हम दे रहे हैं, अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर हमारा क्या फायदा है? क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जिन्होंने भी यहाँ पर विवाह कराया है वो हमारे बीच में आवे, या तो वो माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सस्पेंड करा जाए। यही प्रशासन हमारी मांग चल रही है, बात तो चल रही है। अब जो भी आगे निर्णय होगा वो आप आगे बता दें।